हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, but poverty is a significant issue of this country. यह हमारा system, political issues, nepotism, woman empowerment, lack of education, demonetization. Right? No. नहीं, यहाँ toothpaste में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट, क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और, इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में हैं। इंडियन क्यूजींस और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार बुद्ध्याना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोनी की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है। और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल
हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम।